गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास सेकेंड एंड द सब्जेक्ट इज इंग्लिश रीडर. स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर. आई हैव ट्रांसलेटेड ऑल दिस चैप्टर एंड टुडे वी विल सॉल्व दीज एक्सरसाइज. वी विल डू सम एक्सरसाइज. सो सी हियर, राइट ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द boxes. A tiny plant lay fast asleep in the grass. बेटा remember the chapter? क्या वो छोटा पौधा घास में सोया हुआ था क्या? देखो इधर, कहाँ सोया हुआ था वो? Lay asleep in the heart of seed. False आएगा इधर. Okay? A seed needs sunshine and a rain to grow. एक बीज को पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए सनशाइन और रेन की जरूरत होती है ना? यस, ट्रू. द रेन ड्रॉप्स आर शाइनिंग. रेन ड्रॉप्स कैसी थी? शाइनिंग थी, ब्राइट थी. हियर इट इज गिवन, रेन ड्रॉप्स ब्राइट. ओके, ट्रू. ट्रू. द लिटिल प्लांट्स रोज टू सी द क्लाउड्स इन द स्काई. क्या लिटिल प्लांट्स केवल स्काई क्लाउड्स को देखने आया था स्काई में? नो, फॉल्स. द लिटिल प्लांट्स हर्ड द वर्ड्स ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड. ब्यूटीफुल, संसार की आवाज, सुंदर संसार की आवाज उसने सुनी थी. यस, ट्रू. नाउ हियर इज सम क्वेश्चन एंड आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम? यस, टेल मी द टाइटल ऑफ द पोयम. दिस इज द टाइटल ऑफ द पोयम. इज इट क्लियर? सो वी विल राइट डाउन हियर द लिटिल प्लांट. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? हियर इट इज गिवन द नेम ऑफ द पोएट. इट इज गिवन कैटे लुइस ब्राउन. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन वोकैबुलरी. Find the past form of the verbs in the poem. Poem में आपको verb की past form दी हुई है, वो हमें find out करनी है. Column A में देखना है और column B में लिखना है. Is that clear? Okay. R-I-S-E, rise. The past form of rise is rose. R-O-S-E, rose. B-U-R-Y, bury. The past form is buried. B-U-R-I-E-D. The third, say, S-A-Y, say, past form of say is S-A-I-D, said. H-E-A-R, hear, the past form of heard, H-E-A-R-D, heard. L-I-E, lie, the past form of lies, L-A-Y, lay. M-A-Y, may, the past form of may is might. Okay? Here are some more exercises. Match the words in column A with the opposite. Opposite means होता है विलोम शब्द. जैसे कि day, night, good, bad. These are the opposite words. Like that you have to do. Then write the correct opposite in front of each column A. One is done for you. Inside, outside, awake, asleep, dull, dark, light, bright, tiny, huge. Here they are given. Bete, now it is a new thing. As you know, noun, what is noun? Words that name persons, things, animals or places are called naming words or noun. जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का संसार में नेम होता है उसे हम नाउन कहते हैं. Is that clear? In that, some words are given. देखो, persons के name है boy, teacher, mother, father, cousins. These are the name of person. Like these things, car, milk, banana and more things, pencil, pen, eraser. Animals, lion, eagle, parrot, pigeon, sparrow. These are the animals' name. Places, bedroom, town, playground, school, market, park. These are the garden. These are the name of place. What we say to these words, all above these words are called common noun. In words को हम common noun कहते हैं. Noun तो हमने पढ़ लिया, naming words होते हैं noun, लेकिन इसके भी types होते हैं. उसमें
जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, जो एक पूरी जाति को नेम देते हैं, इंगित करते हैं, उसे बोलते हैं हम कॉमन नाउन, पूरी जाति को बताते हैं। जैसे कि बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, मदर किसी की भी मदर हो सकती है, कार कोई भी कार हो सकती है, ब्लैक व्हाइट रेड इंडिगो नैनो कोई भी कार हो सकती है, ओके। लाइकवाइज एनिमल्स भी कोई हो सकते हैं। ऐसे ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉमन नाउन्स। दे आर नेम्स ऑफ पर्सन थिंग्स एनिमल्स और प्लेसेस इन द सेम काइंड, अपने ही प्रकार के एक जैसे नेम होते हैं। दे बिगिन विद स्मॉल लेटर, कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। बेटा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मोर हियर आर सम वर्ड्स गिवन, सो यू राइट डाउन दीज वर्ड्स टू कैटेगराइज देम डिफरेंटली। हियर आर सम ऑफ द नेम ऑफ पर्सन, सम आर द नेम ऑफ थिंग्स, सम आर द नेम ऑफ एनिमल्स, प्लेसेस, यू कैन फाइंड आउट देम प्रॉपरली। आप समझ सकते हो ना कि पर्सन का नेम कौन सा है, एनिमल का नेम कौन सा है और प्लेस का नेम कौन सा है। सो यू विल राइट डाउन हियर, इज दैट क्लियर? यू विल राइट डाउन हियर। नाउ अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग, जनरल कॉमन नाउन जो नेम होते हैं, सी इन द सेंटेंस, पिकॉक एनी पिकॉक कैन बी, कोई भी पिकॉक हो सकता है, फील्ड एनी फील्ड कैन बी, ग्रैंड मदर कोई भी ग्रैंड मदर हो सकती है, स्टोरी कोई भी स्टोरी हो सकती है, अभी कोई भी बी हो सकती है, हनी कोई भी हनी हो सकता है, अंकल किसी के भी अंकल हो सकते हैं, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं, बस स्ट्रीट हाउसेस रूम विंडो डोर, दीज आर द नेम ऑफ कॉमन नाउन। ये सब क्या है बेटा? कॉमन नाउन है, ओके। इज दैट क्लियर टू यू? एंड कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रॉपर सीक्वेंस। बेटा व्हाट इज प्रॉपर सीक्वेंस? प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है? देखो सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, प्रेयर करते हैं, लंच करते हैं और स्कूल आ जाते हैं। यही सबका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना, हमारे डेली रूटीन का यही होता है। ऐसे ही आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। देखो फर्स्टली मीन्स पहले, नेक्स्ट मीन्स उसके बाद, देन मीन्स नेक्स्ट के बाद, फाइनली मीन्स लास्ट में। सपोज कोई भी वर्क है, पहले हम क्या वर्क करते हैं वो सबसे पहले आता है, फर्स्ट। जैसे फर्स्ट आई वॉक अप, मैं सबसे पहले उठता हूँ एट 5:30, 5:30 बजे। नेक्स्ट आई वॉश माई फेस, फिर मैं अपना फेस वॉश करता हूँ। देन आई गो टू फ्रेश, फिर मैं फ्रेश होने जाता हूँ। एंड फाइनली आई गेट रेडी, और जल्दी से मैं नहा के तैयार हो जाता हूँ। इज दैट क्लियर? फोर वर्क्स आपको दिए होंगे, उसमें आपको फर्स्टली नेक्स्ट देन फाइनली यूज करना है। हियर इज एन एग्जाम्पल। फर्स्टली हेमंत ब्रशेज हिज टीथ, पहले हेमंत ने अपने टीथ को ब्रश किया। नेक्स्ट ही हैड बाथ, फिर उस वह नहाया। देन ही पुट ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म एंड शूज, फिर उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ शूज और शूज पहने। फाइनली ही कॉम्ब्ड हिज हेयर, और अंत में उसने अपने बालों को बनाया। सो हेयर वी विल लर्न हाउ टू यूज फर्स्टली नेक्स्ट देन एंड फाइनली। इज दैट क्लियर? हेयर आर टू, हेयर इज वन एक्सरसाइज गिवन टू यू, सो यू विल डू इट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, गिवन दिस एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन दिस पेज नंबर 5। हेयर आर सम वर्ड्स गिवन टू यू, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज राइमिंग वर्ड्स। बेटा नाउ वॉट इज राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स सेम काइंड ऑफ वर्ड विच गिव
their spellings are different, but their rhyme, बोलने का जो लहजा है वो एक जैसा होता है, एक जैसी साउंड करते हैं वो. फॉर एन एग्जाम्पल, किंग, रिंग, विंग, फ्लिंग, इंग इंग की एक जैसी आवाज आ रही है ना, इसे हम बोलते हैं राइम. और जो वर्ड्स एक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. इज इट क्लियर? फेम, सेम, गेम, ब्लेम, रीड देम आउट. फ्लाई, चाय, शाय, क्राय. Here are the sound is same ना. These are the rhyming words जिनकी sound एंड की जो sound होती है वो same होती है. Chair, mayor, care, mayor. Is that clear? Now see, here are some words in E is silent. Game, job, ride, less, price, noise, face, kite, hope, right, can, pierce. Here the word E is silent. Is that clear? In the little plant, you will do the same exercise. You will find out the word where the letter E is silent. Okay? Till then, stay safe, stay home.